Hello listeners, welcome to the online class of zoology. आज हम करने जा रहे हैं fish biology का topic, और जो topic है वो है adaptive radiation in fishes, और इसके 3 parts हम already कर चुके हैं. आज हम 4th part करेंगे, और इस part में हम ये देखेंगे कि किस तरह से डीप सी फिशेस या डेप्थ के अकॉर्डिंग फिशेस के अंदर अडेप्टेशंस हुए, और दूसरा उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ माउथ है वो किस तरह का हुआ, और उनकी फीडिंग हैबिट्स मेनली क्या थी. तो ये हम आज करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे उन फिशेस की जो डेप्थ में रहती हैं या जो डीप वाटर्स में रहती हैं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो फिशेस नॉर्मली हम जिनके बारे में पढ़ते हैं या देखते हैं, वो फिशेस हम देखते हैं एपिपेलेजिक जोन वाली फिशेस, जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर आती है और वो सरफेस से ज़्यादा दूर नहीं होती हैं. तो वो ज़्यादा फिशेस हम जानते हैं, उन फिशेस को हमने ज़्यादा देखा है, और वो फिशेस जो हैं प्रेडेटर्स भी होती हैं मेनली, और उनका जो फूड चेन के अंदर वो टर्मिनल मेंबर्स भी होते हैं. ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं मीज़ोपेलेजिक जोन की, जहाँ पे बहुत सारी फिशेस पाई जाती हैं, और वो जो फिशेस हैं वो इस तरह से करती हैं कि थोड़ा कभी सरफेस के पास आने की कोशिश करती हैं और कभी नीचे डीप जाने की कोशिश करती हैं, यानी कि बीच का जो पार्ट होता है जहाँ पे कि सनलाइट ठीक ठीक आती है, है ना, ज़्यादा अंधेरा नहीं होता है वहाँ पे. तो ऐसे फिशेस जो हैं उनको थोड़ा सा प्रेशर से मतलब फाइट करना पड़ता है, और क्योंकि जो प्रेशर है वो पानी के अंदर जैसे ही हम डीप उसमें जाते हैं तो प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है. ठीक है, तो इसके लिए उन फिशेस में जो अडेप्टेशंस पाए जाते हैं वो अडेप्टेशंस इस प्रकार हैं कि जो उनकी जो जो विजन है, जो देखने की क्षमता है डिम लाइट में, उस तरह से उनकी आईज़ अडेप्ट हो जाती हैं, और उस डिम लाइट में देखने के लिए उनकी जो आँखें हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, ट्यूब्यूलर भी हो जाती हैं कई बार, और उनमें जो रॉड्स जो होते हैं वो थोड़े से लंबे हो जाते हैं. रॉड्स एंड कोन्स आपने पढ़ा है ना इनके बारे में, तो जो रॉड्स हैं वो लंबे हो जाते हैं, और उनकी जो रेटिनाज होती हैं वो लेयर्ड हो जाती है ना, एक लेयर्ड हो जाती है. उससे क्या होता है कि उनको देखने में थोड़ा आसानी हो जाती है, उनकी जो देखने की जो क्षमता है या जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है. देन उनमें कुछ ऐसे मतलब इस तरह का उनका स्ट्रक्चर बन जाता है कि वो अपने आप को आराम से एक तरह से छुपा सकते हैं, कंसील कहते हैं ना जिसको, छुपा सकते हैं. दैट मीन्स कैसे कि कोई भी जो प्रीडेटर है वो उनको आसानी से उनको मेकआउट नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है. उसके लिए क्या होता है कि जो यंग फिशेस होती हैं, जो बच्चे होते हैं फिश के, यंग फिशेस की जो बॉडी होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है. तो क्योंकि पानी जैसे ही होती है, पानी भी ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो इतनी आसानी से प्रीडेटर को दिखाई नहीं देती हैं. और जो बड़ी फिशेस होती हैं उनमें भी कुछ इस तरीके का होता है कि वो जो है आसानी से प्रीडेटर को दिखाई नहीं देती हैं. उनका जो सरफेस होता है वो पानी से मैच करता हुआ या आसपास के उससे मैच करता हुआ होता है. अब क्योंकि फिशेस जो होती हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ होती हैं, तो उनकी जो साइड होती है वो सिल्वरिश साइड होती है थोड़ा सा, और कुछ कुछ उसमें ल्यूमिनेसेंट भी होता है, ल्यूमिनेसेंस भी होता है, जिससे कि जो उनका जो पार्ट है या जो वो उनकी जो बॉडी जो लाइन है वो इतनी आसानी से नहीं दिख पाती है. अब हम बात करते हैं ऐसी फिशेस की जो कि बैथीपेलेजिक जोन में रहती हैं, यानी कि वो एरिया जो कि सरफेस से अराउंड 1000 मीटर्स डीप होता है, और वहाँ पे सनलाइट नाम मात्र को होती है, या कह लो कि वहाँ पे काफ़ी डार्क रहता है
अंधेरा सा ही रहता है। अब ऐसे जोन में फिशेस थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन जो जो भी फिशेस होती हैं उनमें इस तरह का डेवलपमेंट हो जाता है कि वो अपने आप को सरवाइव करते हुए आ रही हैं। अब उनमें क्या होता है कि जो आईज होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, और कुछ कुछ तो इवन डीजनरेट भी हो जाती हैं। भाई किसी भी चीज़, जब कोई चीज़ काम में नहीं आ रही है तो वो चीज़ एवोल्यूशन के अंदर डीजनरेट हो जाती है, ये तो आपको पता भी है। जो मेन रिसेप्टर्स होते हैं उसके अंदर, वो कौन से होते हैं? एक तो सूंघने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है, और टेस्ट करने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। दूसरा, उनके जो लेटर लाइन ऑर्गन्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं बजाय कि कनाल्स के। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फिशेस हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तरह से वो मोशनलेस ही होते हैं, है ना, उनको उनको क्योंकि मोशन या मूव करने की या स्विम करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, और वो मोस्टली एक ही जगह पर रहना पसंद करती हैं। तो उनमें इस तरह की डेवलपमेंट हो गई है, या इस तरह का उनमें अडेप्टेशंस डेवलप हो गए हैं कि उनको ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनको एक ही जगह पे स्टेशनरी रहने पे भी उनको काफ़ी फायदे हो जाते हैं। कैसे? अभी आपको बताती हूँ मैं किस तरह से होता है। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना, आप अगर अपन एग्ज़ाम्पल की बात लें तो उसमें एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँगी ऐसी फिश का जो कि ल्योर करती है, यानी कि कैसे वो एक जगह पे है लेकिन वो प्रे को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एंगलर फिश, ठीक है, एंगलर फिश। अब एंगलर फिश जो है वो ठीक है कि डार्कनेस में, जैसे अगर जब रहती है डार्कनेस में, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह का हो जाता है कि वो ल्योर करता है, अट्रैक्ट करता है प्रे को। ठीक है, और जो एंगलर्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा खासा ऑल्फैक्टरी और जो डेवलपमेंट जो होता है वो अच्छा हो जाता है। ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने वाला। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेल्स होते हैं वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं पैरासिटिकली दूसरे फिशेस के ऊपर, है ना, उससे भी उनको आराम रहता है और इस तरह से वो अपना गुजारा चला लेते हैं। अच्छा, अब जो डार्क जोन की जो फिशेस होती हैं उनका कलर भी डार्क ब्राउन होता है और ब्लैक होता है। ठीक है, तो इस तरह से उनमें जो है वो आसानी से दिखाई नहीं देती है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि अब जो दूसरे फिश से वो कंफ्यूज नहीं हो, तो क्या होता है कि कुछ फिशेस के अंदर जो फोटोफोर्स हैं वो इस तरह के हो जाते हैं, उनके जो रेटिना जो होता है वो इस तरह से डेवलप हो जाता है कि वो अपने प्रे का कलर देख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फिश होती है जिसको अपन बोलते हैं मेलेकोस्टॉइड फिश। ठीक है, ये जो मेलेकोस्टॉइड फिश होती है इसमें क्या होता है कि इसका जो खाना होता है वो क्रस्टेशियंस होता है। अब क्रस्टेशियंस जो रेड कलर के क्रस्टेशियंस होते हैं वो इनका खाना होता है, तो उन क्रस्टेशियंस को देखने के लिए इनके रेटिना में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है जिससे कि उनको रेड कलर के क्रस्टेशियंस जो हैं वो दिखाई दे जाते हैं, वो इजीली उनको प्रे बना लेते हैं। और जो खुद की जो होती हैं फिशेस, जैसे तो क्योंकि वो ब्राउन कलर के लिए उनके वो डेवलप ही नहीं हुए, तो उनको वो चीज़ उस तरह से दिखाई नहीं देती है। अब डेंसिटी जो है पानी की, है ना, वो ज़्यादा होने के कारण जो मूवमेंट होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो डीप सी फिशेस हैं वो एक ही जगह रहती हैं, और वो अपना इवन शिकार करने के लिए भी वो मूव करने की आवश्यकता नहीं समझती हैं। उनमें इस तरह से मॉडिफिकेशन हो गया है कि जो भी प्रे है वो खुद ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उनमें इस तरह के डेवलपमेंट हो गई है, इस तरह की अडेप्टेशंस हो गई हैं कि वो जो है फ्लोटिंग ट्रैप की तरह एक्ट करते हैं, ना कि शिकारी की तरह। ठीक है, और क्योंकि उस पानी में कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं, जब मूवमेंट ही नहीं हो रहा है किसी प्रकार का, तो पानी में डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तो जब डिस्टर्बेंस भी नहीं है तो इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लिम्जी होती है, मतलब वीक होती है ना, क्योंकि उसमें जो मसल्स होती हैं उसकी
उसमें बोन्स मतलब बोन्स भी जो होती है वो वीक होती हैं, इवन जो मसल्स भी होती हैं वो वीक होती हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो जॉज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उनमें फोल्डिंग टीथ भी होती है। इनका स्टमक भी जो है वो डिस्टेंसिबल होता है, जिससे कि वो एक बार में काफ़ी सारा खाना कंज्यूम कर लें, ठीक है। और टीथ तो इनके होते ही हैं शार्प, जैसे कि वो आसानी से बैठे बैठे मतलब आई मीन एक ही जगह पर रह करके शिकार कर लें। अच्छा, जो बेंथिक फिशेज़ होती हैं वो क्योंकि बॉटम में रहती हैं, उनको बॉयंसी से लड़ना नहीं है, फाइट नहीं करना है, तो उनमें स्विम ब्लैडर भी ज़्यादातर में लैकिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ कुछ फीचर्स हैं, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ कुछ अडाप्टेशंस हैं जो कि डीप सी फिशेज़ में पाए जाते हैं, जिससे कि वो अपने आसानी से सर्वाइव कर सकें, ठीक है। सो दीज आर द अडाप्टेशंस फॉर द डेप्थ। नाउ अडाप्टेशंस माउथ एंड फीडिंग हैबिट्स। नाउ अब देखिए आप कि अब आपको इस तरह से अपन बता सकते हैं फीडिंग के बारे में कि चाहे फिशेज में, चाहे वो शार्क हों, चाहे वो कार्टिलेज दूसरी कार्टिलेजनस फिशेज हों या बोनी फिशेज हों, सब में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन माउथ के अंदर हो गया है या अडाप्टेशन इस तरह से हो गया है उनका, क्योंकि खाना जो है वो मेन है। अगर फीडिंग नहीं हो पाएगी या उनको फूड नहीं मिल पाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो कार्निवोरस फिशेज होती हैं और हर्बीवोरस फिशेज होती हैं, ओके, जो एक्टिव प्रिडेटर्स होते हैं, जो कि शिकारी होते हैं, है ना, जो प्रिडेटर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनके जो जॉज होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइक फिश है, कॉड फिश है, इस तरह के फिशेज में ये फीचर्स पाए जाते हैं। जो एज पे जो दांत होते हैं जबड़े में, वो क्या करते हैं कि खाने के काम आते हैं और इवन जो शिकार होता है उसको पकड़ने के काम आते हैं। लेकिन जो फेरिंग्स की वॉल पर जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर एक बार उसने किसी प्रे को अपने अंदर ले लिया तो वो प्रे बाहर नहीं निकल सकता। तो जब अंदर लेना होता है प्रे को तो टीथ क्या होता है, इस तरह से हो जाता है कि आराम से वो अंदर स्वॉलो हो जाता है, लेकिन इमीजिएटली जो दांत होते हैं ना वो सीधे हो जाते हैं, जैसे कि फिर वो अब एक बार अंदर आ गया तो फिर वो बाहर निकल के नहीं आ सकता है, ठीक है। तो एक बार अलाउ एंट्री तो अलाउड हो गई, लेकिन एग्ज़िट जो है वो अलाउ नहीं होती, वो प्रिवेंट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोफियस फिश, फॉर एग्ज़ाम्पल लोफियस फिश, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, जो एंगलर फिश होती है उसमें जो डॉर्सल स्पाइन होता है वो ल्योर में कन्वर्ट हो जाता है, वो ल्योर में मतलब मॉडिफाई हो जाता है। अब एक फिश होती है ब्लू फिश, वो तो क्या करती है कि कार्निवोरस होती है और जो भी फिश उसके रास्ते में आती है और अगर उसको भूख लग रही होती है, उसको खाना खाना होता है, तो वो उस फिश को कट कर देती है ना, कट कर देती है और अपना प्रे आसानी से उसको मिल जाता है। ऐसे ही जो जो हैमर हेडेड फिश होती हैं वो तो मैन मतलब आदमी को भी अटैक कर देती हैं, तो खतरनाक होती हैं। जैसे कि कुछ शार्क्स होती हैं वो भी मैन ईटर होती हैं, अटैक कर देती हैं मैन के ऊपर, है ना। तो कार्निवोरस होती हैं क्योंकि शार्क्स भी, तो इस तरह से। फिर जो इवन जो कुछ ऐसी फिशेज होती हैं टीलियोस में जो कि बहुत ही डेंजरस होती है, फियर्स होती हैं अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लूरोनेक्टिस जो फ्लैट फिश होती है उसमें जो जॉज के ऊपर जो टीथ होते हैं वो चिजल के जैसे होते हैं, फेरिंग्स के अंदर क्रशिंग टीथ होते हैं उनमें, तो जो जो चिजल लाइक टीथ है जॉज में और जो क्रशिंग टीथ हैं ये जो है उनका जो शिकार होता है वो होता है मॉलस्क, बाइवेल्व मॉलस्क यानी कि यूनियो, है ना, तो वो उसका होता है। इसी तरह से जो एक और फिश होती है लैब्रिडे, उसकी फिश होती है लैब्रिडे ग्रुप की, तो उसके जो टीथ होते हैं वो ब्लंट होते हैं और वो नेशे मॉलस्क और क्रैब्स खाते हैं,
सोल फिश होती है उनमें वीकर डेंटेशन होता है, और वो जो है ज़्यादातर वो भी वर्म्स खाता है, जो सोल फिश होता है, और क्रस्टेशियंस खाते हैं। अब जो क्लूपिया जो होती है ये हेरिंग फिशेस होती हैं, और इनका जो खाना होता है वो प्लैंकटन्स होते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है छोटे छोटे दांत होते हैं, माउथ भी उनका बड़ा वीक होता है। लेकिन इस कमी को पूरी करने के लिए उनमें एक और सिस्टम होता है, वो सिस्टम कहलाता है फिल्टरिंग सिस्टम। ठीक है, फिल्टरिंग सिस्टम कहलाता है, जो कि गिल रेकर्स के ब्रांचिंग होने से वो बन जाता है फिल्टरिंग सिस्टम। ये फिल्टरिंग सिस्टम आपने शार्क्स में और पैडल फिश में भी पढ़ा होगा, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है ना, जो शार्क्स होती हैं, स्पेशली जो बास्किंग शार्क्स होती हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। जो हर्बीवोरस फिशेस होती हैं उनमें भी जो टीथ होते हैं वो क्रशिंग टीथ होते हैं, जैसे कि मॉलस्क ईटर्स में होते हैं, और उनकी जो डेंटिशन है वो भी डिफरेंट तरीके का हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो पैरट फिश की, तो उनमें बीक प्रेजेंट होती है और उनमें फ्लैटेंड प्लेट्स लगी होती हैं, और वो जो फ्लैटेंड प्लेट्स होती हैं वो एक तरह से ग्राइंडिंग का काम करती हैं, और वो प्लेट्स होती हैं फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, उससे क्या होता है जो भी कोरल्स, क्योंकि उनका खाना होता है तो कोरल्स को वो ब्रेक करने में आसानी से काम में आ जाता है। ठीक है, फिर एक साइप्रिनिडे करके ग्रुप होता है, तो उसके अंदर जो फ्रेश वाटर फिशेज़ होती हैं साइप्रिनिडे में, मतलब जो कॉमन फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं वो साइप्रिनिडे ग्रुप में आती हैं। फॉर एग्जांपल पर्च है, मीनो है, कार्प है, गोल्ड फिश है, इनमें क्या होता है कि टीथ ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, जॉ में, एज ऑफ द जॉ में टीथ ही नहीं होते हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए इनको लेदर माउथ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि फेरेंजियल फ्लोर में ज़रूर टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छे से उसको कट करने के हिसाब से वो काम में आते हैं, है ना, एक तरह से जो रफ जो पैड होता है उसके अगेंस्ट वो बाइट करते हैं, ऐसे होता है वो टीथ काम में आता है। और ये जो फिशेस होती हैं, जो लेदर माउथ फिशेस जो होती हैं, ये मेनली वेजिटेरियंस होती हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ये मिट्टी भी खा जाती हैं। ठीक है, और मिट्टी ले लेती हैं पूरा मुंह के अंदर, और मिट्टी से क्या करती है कि वो जो नरिशमेंट है एक्सट्रैक्ट करती है, किस तरह से कि उसके अंदर जो प्लांट्स और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनको ये छान लेती है एक तरह से, मान लो, है ना, उनको अंदर ले लेती है। तो इस तरह से अपना जो नरिशमेंट है, जो इसको नरिशमेंट चाहिए होता है, वो नरिशमेंट वो इस तरह से गेन कर लेती है। इस तरह से जो ये वाले जो पॉइंट्स हैं एडेप्टिव रेडिएशन के, ये आज कंप्लीट होते हैं, और अब आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे, और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स के बारे में, जो कि फिशेज़ में डेवलप हुए हैं या अडेप्टेशंस उनमें हुई हैं, और दूसरा हम करेंगे स्केल्स और जो भी उनमें और अलग प्रकार के जो आर्मर उनमें डेवलप हो गए अडेप्टेशंस को लेकर के, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक की कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।